पूर्व जो आयोग द्वारा जो है 98 परीक्षाएं की कराई गई है, उस पर हम ये कैसे मान ले इसमें नकल नहीं है। इन दोनों में पहली तस्वीर वही है जो राजधानी देहरादून में भर्ती घोटालों के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में युवाओं ने आक्रोशित होकर प्रीतम सिंह को घेर लिया था। उस दिन गांधी पार्क में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के खिलाफ गोबैक के नारे लगाए गए थे, लेकिन उस दिन और आज के दिन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि प्रीतम सिंह ने युवाओं के मुद्दे पर जो सवाल विधानसभा में रखे हैं, उन सवालों से चक्राता विधायक की छवि काफी सुधरी हुई नजर आ रही है, और इस बात का अंदाजा आप बेरोजगार युवाओं के संगठन पर किए गए पोस्ट से लगा सकते हैं। गैरसैंण में आयोजित उत्तराखंड की विधानसभा सत्र के बीच प्रीतम सिंह ने जब बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठाया तो बेरोजगार संघ ने नसीहत दे डाली कि सरकार को विधायक प्रीतम सिंह की बात को संज्ञान में लेने की बेहद जरूरत है। विधानसभा में प्रीतम सिंह के द्वारा उठाए गए सवाल पर बेरोजगार संघ ने पोस्ट करते हुए लिखा कि जिस व्यक्ति पर राज्य की सुरक्षा का जिम्मा हो, उन पर विधानसभा सदन के भीतर इस तरीके के यदि आरोप लगते हैं तो यह मामला संवेदनशील मालूम पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन व निर्देशों के अनुपालन में भर्ती घोटालों की जाँच एसटीएफ और एसआईटी कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं संदेह पैदा हो रहा है कि आखिरकार कैसे निष्पक्ष जाँच हो पाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की जांच एजेंसियां सक्षम नहीं है इतने बड़े स्तर पर हुए भर्ती घोटालों की जांच के लिए। बेरोजगार संघ ने आगे लिखा कि विधानसभा सदन में जिन तथ्यों को चक्राता विधायक प्रीतम सिंह जी ने रखे हैं, उन पर गहराई से सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यह बहुत संवेदनशील मसला प्रतीत होता है। यह भी आवश्यक है कि राज्य के युवाओं का एवं प्रदेश के आम नागरिकों का संस्थानों पर भरोसा बना रहे, इसलिए भी इस मामले को गंभीरता से समझा जाना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि युवाओं ने जब प्रदर्शन के दौरान प्रीतम सिंह को घेरा था तो उस वक्त ऐसा करने के पीछे युवाओं का क्या मकसद था। उस वक्त उत्तराखंड में युवा इस लड़ाई को खुद ही लड़ना चाहते थे, वो इस लड़ाई को राजनीतिक नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन प्रीतम सिंह ने इस बार युवाओं के मुद्दे को विधानसभा में सटीकता से उठाते हुए विपक्ष की भूमिका को सही तरीके से निभाया है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड तक।